नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और मैं हूं आनंद कुमार। और आज के इस लेक्चर में हम पिछले सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने 20 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 21 जुलाई से लेकर आज तक, यानी कि 29 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ एनालिसिस करेंगे। आपको अगर इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको रिविजन करना है, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो आपके पास में पीडीएफ होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। नोट्स बनाते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, पीडीएफ जरूर रखिएगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमसे जुड़कर बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो इसीलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लाइक शेयर ये आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, जो आपका इच्छा हो कर सकते हो। ठीक, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले, पिछले लेक्चर में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उस टॉपिक्स के आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं आप यहाँ पर आपके लिए। उन क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इससे पता चलता है कि आप कितना बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। चैनल का क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले को नक्सल प्रभावित जिला घोषित कर दिया गया है। एक नया जिला ऐड किया गया है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, और एक जिले को नक्सल प्रभावित जिले से बाहर किया गया है। तो कौन सा जिला है जिसे ऐड किया गया है? आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान समय में टोटल जो है 14 नक्सल प्रभावित जिले हैं। ठीक, तो कौन सा जिला है जिसे अभी अभी हाल ही में ऐड किया गया है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनने जा रहा है? पिछले लेक्चर में हमने ब्रीफ में एनालिसिस किया था, अगर पढ़े हो बेहतर तरीके से तो आंसर बहुत आसानी से कर लोगे। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस कृषि विज्ञान केंद्र को भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये पहला हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। छत्तीसगढ़ में कृषि का दर्जा दिया गया है किसे? तो मछली पालन को दिया गया है, यानी कि जो फिश फार्मिंग है उसे आप छत्तीसगढ़ में कृषि का दर्जा दिया गया है। इससे पहले कृषि का दर्जा इसे प्राप्त नहीं था। तो छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा मीटिंग हुई 20 जुलाई को और इसमें यह फैसला लिया गया कि मछली पालन को जो है कृषि का दर्जा दिया जा रहा है। इस फैसले से क्या क्या बदल जाएगा और जो मछली पालन करने वाले किसान हैं उनको क्या फायदा मिलने वाला है? तो अगर मछली पालन को कृषि का दर्जा दे दिया गया है तो इससे फायदा ये होगा कि जो भी मछली पालन से जुड़े हुए लोग हैं वो आसानी से जीरो इंटरेस्ट रेट पर सहकारी बैंकों से ऋण ले सकते हैं, यानी कि लोन ले सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो भी वो मछली पालन के लिए जो पानी पर टैक्स देते हैं, यानी कि जिसे आप वाटर टैक्स कहते हो या फिर जल कर कहते हो, उस पर उन्हें बहुत सारा छूट मिलेगा। जो बाकी एग्रीकल्चर यानी कि जो भी कृषि होता है छत्तीसगढ़ में जिस पर छूट दिया जाता है उसी प्रकार से आप मछली पालन को भी दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पर जो छूट दिया जाता है, जिस बिल पर छूट दिया जाता है, अब मछली पालन से जुड़े हुए लोगों को भी वो छूट प्राप्त हो सकेगा। तो कृषि का दर्जा देने के बाद मछली पालन से जुड़े हुए लोगों को इस तरह से फायदा पहुँच सकता है। छत्तीसगढ़ में मछली पालन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हम जरूर देखेंगे। देखिए, इससे राज्य में मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा, ये जाहिर सी बात है। अगर कहीं भी आपको मेंस में वैल्यू एडिशन के लिए मिले, छत्तीसगढ़ में फिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जरूर आंसर कीजिएगा, या फिर छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो भी आप वैल्यू एडिशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, मछली पालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही 2,20,000 लोगों की स्थिति को में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, यानी कि छत्तीसगढ़ में 2,20,000 ऐसे लोग हैं जो मछली पालन से जुड़े हुए हैं। राज्य में 2.5 सालों में मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में 13% का वृद्धि देखा गया। ये डेटा जो है इंपॉर्टेंट है आपका वैल्यू एडिशन के लिए। और 9% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है मत्स्य उत्पादन में। बीज उत्पादन, मछली का जो बीज उत्पादन होता है उसमें 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है पिछले 2.5 साल में, और 9% की वृद्धि दर्ज की गई है मछली उत्पादन यानी कि फिश प्रोडक्शन में। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य अगर देखें तो मछली बीज उत्पादन
यानी कि सीड प्रोडक्शन, इसके अलावा फिश प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में कहाँ खड़ा है, तो इसका रैंक आता है छठवां। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मत्स्य बीज उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है, तो है आपका छठवें स्थान पे। ठीक, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर भी ये थोड़ा सा ज्यादा है पिछले जो टॉपिक था उसके कंपेयर में। अटल इनोवेशन मिशन में छत्तीसगढ़ के कुछ प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर यह अटल इनोवेशन मिशन है क्या। तो नीति आयोग द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो नीति आयोग द्वारा मार्च 2018 में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई थी। किस उद्देश्य के साथ में किया गया था? तो देश में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि नए नए आइडियाज आए, नए नए थिंकिंग उत्पन्न हो, इस सपोर्ट से लोगों को सपोर्ट दिया जा सके, इसी उद्देश्य के साथ में नीति आयोग द्वारा जो है अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई थी। अब अटल इनोवेशन मिशन के तहत में अटल टिंकरिंग लैब मैराथन 2020 के तहत छत्तीसगढ़ के 13 प्रोजेक्ट्स को जो है वो चयनित किया गया है। ये जो अटल टिंकरिंग लैब है, ये क्या है? तो इस लैब में स्कूली बच्चे, खासकर मिडिल स्कूल के जो बच्चे होते हैं, वो इस लैब के जरिए कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, नए नए इनोवेशन पे काम करते हैं, और इसी के तहत नीति आयोग द्वारा जो है पूरे देश भर से राज्यों के बच्चों का चयनित किया जाता है, प्रोजेक्ट्स का चयन किया जाता है। तो इसी के तहत छत्तीसगढ़ के 13 प्रोजेक्ट्स का जो है वो चयन किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के तहत, अटल टिंकरिंग लैब इस मैराथन के जरिए। ठीक है, और जो 13 प्रोजेक्ट्स का चयन हुआ है वो टॉप 300 में हुआ है, और टॉप 300 में राज्य के 9 स्कूलों से जो है टोटल 13 प्रोजेक्ट्स का चयन किया गया है, जिसमें 5 शासकीय स्कूल से 9 प्रोजेक्ट्स का चयन किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्लियर है? तो याद रखिएगा अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, अटल टिंकरिंग लैब क्या है इसके बारे में, और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि 13 जो प्रोजेक्ट्स हैं 2020 में छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है। अब प्रदेश के बिलासपुर जिले में से जो है 5, महासमुंद जिले से 3, बालोद जिले से 3 और रायपुर जिले से 2 प्रोजेक्ट्स का चयन किया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी याद रखिएगा। और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूली बच्चों में इनोवेशन आइडियाज, डिज़ाइन थिंकिंग एक्सेट्रा सीखने के लिए देश भर के सरकारी और निजी विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है, और इस मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक 326 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है। यानी कि नीति आयोग का यह टारगेट है कि प्रदेश के हर एक मिडिल स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब हो, जहाँ पर बच्चे नए नए इनोवेशन और आइडियाज़ को निखार सके, उनमें पढ़ने की क्षमता ज़्यादा विकसित हो सके, नए नए इनोवेशन पर काम कर सके, इसीलिए नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना जो है पूरे देश में करने में सपोर्ट कर दी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शासकीय कार्यवाहियों में, यानी कि जितने भी सरकारी काम किए जाते हैं और जितने भी सरकारी दस्तावेज निकलते हैं, उसमें अब जो पहले विकलांग शब्द जोड़ा जाता था, अब विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दिव्यांगजन कल्याण की योजनाओं और उससे संबंधित आगामी सभी शासकीय कार्यवाहियों में, यानी कि जितने भी सरकारी कार्य होते हैं, जो पहले विकलांग शब्द का प्रयोग होता था, अब वो विकलांग शब्द का प्रयोग न करके दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि शासकीय कार्यवाहियों में विकलांग की जगह अब किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो वो शब्द है आपका दिव्यांग। और ये किस एक्ट के तहत किया जा रहा है? तो भारत सरकार द्वारा जारी राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत इसमें जो है अमेंडमेंट किया गया है। भारत सरकार का ये एक्ट है और इसी के तहत राज्यों को भी आदेश दिया गया है कि आप इसमें अब ये बदलाव करें, और इसी के साथ जो है अब विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, विधानसभा का पहला अनुपूरक बजट यानी कि सप्लीमेंट्री बजट जो है वो पेश किया गया है और पास भी हो गया है। और ये सप्लीमेंट्री बजट कितने का है? तो 2485.59 करोड़ रुपए का ये पास हो चुका है। और छत्तीसगढ़ का जो मार्च के महीने में 21-22 का बजट पेश हुआ था, तो मूल बजट कितने का था? तो 97,106 करोड़ रुपए का था। अब इसका अनुपूरक बजट जो है 2485.59 करोड़ रुपए का जो है
वो पास किया गया। अनुपूरक बजट क्या होता है? तो जो मूल बजट होता है, जितने भी अलॉट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जितने भी खर्च के लिए किए जाते हैं, अगर उसके ऊपर खर्च की जरूरत पड़ता है तो जब भी विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो वहाँ सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। तो ये पहला अनुपूरक बजट है छत्तीसगढ़ सरकार का। कितने का है याद रखिएगा, पहला अनुपूरक बजट से रिलेटेड डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप डबल ट्रिपल जितना स्टार लगाना चाहो इस पर लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक और स्कीम की घोषणा की गई है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इस स्कीम का नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। स्कीम का नाम याद है, स्कीम का नाम याद रखिएगा। कब इसका अनाउंसमेंट किया गया है? तो 28 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा इस स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया है विधानसभा से, ठीक। और इस स्कीम के तहत उन लोगों को प्रतिवर्ष 6000 रुपया दिया जाएगा जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई लैंड नहीं है, यानी कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले ऐसे ग्रामीण परिवार जो भूमिहीन है, जिनके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है, ऐसे परिवारों को प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के तहत उनके बैंक अकाउंट में 6000 रुपए दिया जाएगा। क्लियर है? सिंपल शब्द में समझा रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। और यह योजना इसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि 21 और 22 से लागू होगा। और इसके लिए सप्लीमेंट्री बजट यानी कि अनुपूरक बजट में जो 2400 समथिंग करोड़ रुपए का मैंने आपको बताया ना, उसी बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। और इससे राज्य के लगभग 12 लाख ग्रामीण परिवारों को जो है वो फायदा पहुंचेगा या फिर पहुंच सकता है, ठीक है। तो इस स्कीम के बारे में जितना अभी डिटेल आया है उतना मैंने बता दिया, कितने लोगों को कवर करेगा, किन लोगों को कवर करेगा, कितना मिलेगा, बस इतनी बातों को अभी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर हमने आज के इस लेक्चर में 5 टॉपिक डिस्कस किया, 5 ही टॉपिक था और 5 बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। कई लोगों का ये शिकायत रहता है कि टॉपिक्स बहुत कम हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं सबको कवर किया जाता है, कोई भी आपका टॉपिक मिस नहीं होता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप बिल्कुल करंट अफेयर 100% यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, हर एक पहलू को कवर कर लिया जाता है। और एक बात और, जिन लोगों का अभी मैगजीन को लेकर कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि अभी मई महीने का ही आया है उसके बाद मैगजीन नहीं आया, वर्क उस पर चल रहा है, अभी जो आपको मैगजीन मिलेगा वो 2 या 3 महीने का एक साथ मिल सकता है, क्योंकि पीछे कोविड लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी। तो आपको जून जुलाई मई का मिल गया था और हो सके अगस्त, ये 3 महीने का मैगजीन आपको एक साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैगजीन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक। चलिए तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। और हाँ, अगर आप बिगनर्स हैं और CGPSC का प्रिपरेशन किस तरह से करना है तो उसका एक सीरीज हम वीडियो चला रहे हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक कर लो वहाँ भी मिल जाएगा। हमने 2 वीडियो डिस्कस किया, पहले वीडियो में हमने बेसिक्स डिस्कस किया था, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इन सब बातों पर डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और थर्ड पार्ट में हम बुक्स पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहिए। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।